ब्लॉगर विवेक। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं हूँ ऐतिहासिक प्लेस रोहतास गढ़ किला, यानी कि रोहतास फोर्ट। इसकी विशेषता मैं आपको दिखाते जाऊँगा और बताते जाऊँगा। ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, जो कि नीचे से जो आने वाला रास्ता है वो काफ़ी दुर्गम है। आपको रास्ते का भी मैं व्यू दिखाऊँगा और पूरा आपको यहाँ के बारे में बताऊँगा रोहतासगढ़ की। तो आप मेरे साथ वर्चुअली टूर करिएगा रोहतास फोर्ट और आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, यहाँ के बारे में भी बताऊंगा साथ। तो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है टेहरी ऑन सोन से। टेहरी ऑन सोन से लगभग ये 75 किलोमीटर रोहतासगढ़ किला तक पहुँचने में टाइम लगता है। और ये जो रास्ता है बिल्कुल आपको नेशनल हाईवे से होके हुए जाना है और बिल्कुल क्लियर रास्ता है, अच्छा रास्ता है। और यहाँ पर आप देखिए कि हम लगभग रोहतासगढ़ किला पहुँच चुके हैं और यहाँ से आपको जो मेरे दाईं ओर पहाड़ दिख रही है उस पहाड़ को पार करते हुए ऊपर चढ़ते हुए हमें रोहतासगढ़ को किला को जाना है। ऐसे एक दूसरा रास्ता भी है मगर वो पैदल जाना होता है। हालांकि गाड़ी के रास्ते से जल्दी पैदल वाला ही रास्ता पहुँचता है मगर फिर भी बहुत दूर ऊपर चढ़ना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, कोई दिक्कत तो होता ही है। वो जो पहाड़ी आपको दिख रहा है उसी पहाड़ पे हमें चढ़ना है और रास्ते में ये है बंजारी का डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड, आपको ये रास्ते में पड़ेगा। और यहीं के आगे आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट आएगा, रोहतास से आपको टर्न लेके आगे जाना है। तो चलिए मैं रास्ते का व्यू आपको दिखाते हुए चलता हूँ। अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से रोहतास किला लगभग 35 किलोमीटर आपको पड़ेगा मगर वो 35 किलोमीटर जैसे कि आप हाईवे पर जितना समय लगा उससे 3 गुना ज़्यादा समय आपको ऊपर चढ़ने में लगेगा। तो अब यहाँ से हम टर्न लेके ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ से राइट टर्न लेना है और रोहतासगढ़ किला को ये रास्ता बिल्कुल चला जाता है। हाईवे यहाँ आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि नगरपालिका का जो बॉर्डर है यहाँ से ख़त्म हो जाता है और यहाँ से आपको ये कच्चा रास्ता मिल जाता है। अब इसी कच्चे रास्ते पे हमें चलते जाना है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोगों का भी घर वगैरह है। और यहाँ से आगे हम चलते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा यहाँ से हिल आपको पड़ना शुरू होगा मगर ज़्यादा हिल यहाँ से नहीं है क्योंकि अब तक हम पहाड़ी के नीचे नहीं आए हैं। अभी पहाड़ जो है हमसे कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दूर है। तो ये रास्ता बिल्कुल कच्चा आपको मिलेगा। बारिश के वक्त यहाँ पर आना बिल्कुल मेरे ख्याल से इस रास्ते से सही नहीं रहेगा, पैदल वाला रास्ता ही बेटर रहेगा। अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो ठीक है, बुलेरो वगैरह स्कॉर्पियो वगैरह से जाना में ठीक रहेगा मगर बाइक का रास्ता ये काफ़ी यहाँ पे कीचड़ भरा रहेगा। तो वो जो आप ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं उस पर हमें जाना है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ है। अब उसके ऊपर भी और रास्ता कैसा मिलता है सारा मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको। इस वीडियो में ये चीज़ पता चलेगा कि हम किस रास्ते से कैसे जाएंगे और इससे आपको रोहतास किला पहुंचने में मदद मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये रास्ता थोड़ा सा धूल भरा, बहुत ज़्यादा धूल भरा है, यहाँ पर देख सकते हैं बाइक। अब हम हाई पे चढ़ना स्टार्ट हो चुका है और ये धूल भरा रास्ता है, काफ़ी गंदा हो जाता है कपड़ा वगैरह, लेकिन व्यू बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत लगता है। जिसको जंगल पसंद है उसको यहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा। पिकनिक स्पॉट भी बहुत सारे हैं यहाँ पे और यही है कि बाइक जो आपका होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और चलाने वाला तो स्ट्रांग होना ही चाहिए क्योंकि हैंडल को संभालना यहाँ बहुत मुश्किल होता है।
एक गलत मोड़ आपको खाई के नीचे ढकेल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है, बिल्कुल धूल भरा और चारों ओर पेड़ पौधे जो यहाँ पे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं सब पर धूल मिट्टी जमा हुआ है, मगर नज़ारा इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे आप रुक के थोड़ा देर वेट करके सारा नज़ारा का लुत्फ़ उठाइए। हाँ, थोड़ा मोड़ा आपको बीच में बंदर वगैरह मिल सकते हैं या जो सियाल वगैरह होते हैं, सियाल कुत्ते वो सब मिल सकते हैं, और गांव के कुछ गाय वाय भी पालते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं घर भी बना रखा है उन्होंने। और ऊपर अब हम चलते जाएंगे इसी धूल मिट्टी होते हुए, और ये देख सकते हैं काफ़ी चक्का भी इसमें धस रहा है, तो बारिश के वक्त क्या होगा। ऊपर चलने के बाद आपको पहाड़ के ऊपर हम चल चुके हैं और यहाँ पे आपको लगभग प्लेन रास्ता मिलेगा, मगर रास्ता कच्चा ही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा आराम होगा और अपने बाइक की स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। और आगे चलते जाना है और रास्ते का लुत्फ़ उठाना है। और यहाँ पे मैं ठंड के मौसम में जा रहा हूँ और धूप हल्का हल्का लग रहा है, मगर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ गर्मी में भी अगर आप आते हैं तो ऊपर आपको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, और बादलों के समय जब बारिश के समय तो बादल यहाँ पे आपको हाथ से भी हटाना पड़ता है। ऊपर में अच्छा खासा यहाँ पे अब घर उर बन चुका है और सोलर सिस्टम काफ़ी लग चुका है, जिससे करंट बिजली भी अब इस गांव में दौड़ रही है। पहले बहुत बुरा स्थिति था, अभी धीरे धीरे यहाँ पे प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिट्टी के घर मिलेंगे, ये सब जो है गांव वाले हैं जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, इसलिए क्योंकि गर्मियों में मिट्टी की घर जो है आपको ठंडक प्रदान करती है। और धीरे धीरे पक्का मकान भी बन रहा है और जगह जगह नल जल योजना भी आ ही चुका है। यहाँ पे जो कल आप देख रहे हैं, कल लगभग 200 फीट 250 फीट नीचे तक गलाया जाता है, क्योंकि ये समुद्र तल से 1500 मीटर ऊपर है। ये नज़ारा देखिए गांव का, यहाँ पे खेती। हाय, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगर विवेक। और मैं आ गया हूँ अब रोहतासगढ़ किला। आज मैं आपको रोहतासगढ़ किला दिखाऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आप जब रोहतासगढ़ किला आते हैं, यहाँ ऊपर में एक फैमिली रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप खाना पीना सब बनवा कर खा सकते हैं। तो चलिए आपको पहले रेस्टोरेंट दिखा दूँ। तो इस फैमिली रेस्टोरेंट में अगर मान लीजिए कोई दूर दराज से अगर कोई आता है और उसको ठहरने का भी पूरा बंदोबस्त है, साथ में यहाँ देख सकते हैं खाने पीने के लिए सारी चीज़ उपलब्ध भी है। तो अभी हम आपको रूम भी दिखाते हैं यहाँ पे, जो अगर कोई ठहरना चाहता है तो उसको रूम किस प्रकार मिलेगा और क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है और कितना चार्जेस लगेगा। तो चलिए रूम देखते हैं। यहाँ रूम का ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ पहाड़ के ऊपर इतना जिस तरह बंदोबस्त किया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। ये सर मीटिंग हॉल बन रहा है। अच्छा, मीटिंग, अच्छा बड़ा बड़ा मीटिंग करने के लिए भी हॉल बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। अच्छा, के लिए दो है, एक नंबर दो नंबर। ये वीआईपी है? हाँ सर, वीआईपी है। ये यहाँ पहाड़ पे है, अब इनके मुताबिक ये वीआईपी है और इसमें दो रूम होगा। अभी वीआईपी सूट है, दो दो सूट। अच्छा, और इसमें बेड वेड लगेगा अभी? हाँ, बेड लगा है, लगा लगेगा नहीं, लगा है। अच्छा, लगा है। ये बाथरूम वगैरह है? नहीं, बाथरूम लाइटिंग देखिए सर, एक बड़े जैसे वीआईपी लोगों के लिए है, लाइटिंग बाथरूम बेसिन सब इसमें है, झरना तक स्नान करने के लिए है। अच्छा, और ये मान लीजिए कि विधायक जी के लिए हुआ या मंत्री के लिए, उनके गार्ड के लिए ये है। अच्छा, उनके गार्ड के लिए लाइटिंग बाथरूम बेसिन झरना इसमें है। अच्छा, हाँ, एक ये मैंने वीआईपी सूट के 1500 रेट है। वीआईपी सूट का 1500 रेट है, काफी सस्ता है। और यहाँ तक से मतलब 1500 में एक आदमी रहे या
10 आदमी। अच्छा, यहाँ से लेकर पूरा अंदर तक पूरा 1500। तो अब देखिए, ये जितना मैंने आपको दिखाया, मैं फिर से एक बार दिखा दूँ, ये इतना बड़ा रूम, ठीक है, एक रूम में, और यहाँ शायद नीचे या बेड दीजिएगा यहाँ सोने के लिए। बेड तो दो ही रहेगा इसमें सब। अच्छा, यहाँ नीचे वगैरह सो सकता है आदमी। और ये VIP कॉटेज मान के चलिए, यहाँ पे कोई मंत्री वगैरह या आप कोई भी आए ठहरना चाहता है, 1500 रुपये देना है, ये सारा चीज़ बुक हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बड़ा स्तर पे पिकनिक हो गया, शादी अगर मनाना चाहता है कि पहाड़ पे जाके करें, तो इतना बड़ा बुक करके यहाँ पे आराम से कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग जनरल रूम में। तो ये पहाड़ी भोजनालय एंड फैमिली रेस्टोरेंट बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, जो कि रोहतासगढ़ किला के पास ही है। ये कुल्हड़ मंगाते हैं या बनाते हैं? ना सर, कुल्हड़ मंगाते हैं रोहतास से, इसी में हाड़ी में चाय बनता है। ये जो एरिया, ये अभी और बनाएंगे, ये एरिया भी बाद में इसमें बिल्डिंग बनेगा। हाँ, जैसे तो जैसे जैसे भीड़ बनेगा फ्यूचर में, ये उसके लिए है, और यहाँ पे और बनने जा रहा है। साइड में रोड पर सारा यहाँ वहाँ दुकान बनल है, दुकान चलेगा। ये सर फूल की जगह पर हम लोग बैगन लगा दिए हैं, खाने के हक में भी आएगा। और ये देखिए सर, VIP गार्ड का रूम है। ये जनरल रूम है, ये जनरल रूम। यहाँ पे देखिए ढेर सारा रूम बना हुआ है, 15 है सर, 15 है। और एक रूम का चार्ज होगा 400 रुपये का एक रूम, आप बुक करके रह सकते हैं 12 घंटे तक रह जाएगा। 12 घंटा। और ये सबके लिए शौचालय, पुरुष महिला। अंदर से देख लिया जाए सर इसका। हाँ, अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब एक पहाड़ के ऊपर के हिसाब से जिस तरह रूम दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है। और अभी तो अभी सब स्टार्ट हो रहा है, पूरा तैयार नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी खूबसूरत ही है। शौचालय देखे, तीन महिला है और 4 पुरुष के लिए है। और सबके लिए एक कॉमन बाथरूम होगा जनरल में। हाँ, ये महिला के लिए है और पुरुष के लिए है। ओ, ये पुरुष के लिए। हाँ, पुरुष के लिए है। और स्नान करने के लिए झरना वरना सब उपलब्ध है। हाँ, बस देखिए सर, इसका भी ले लिया जाए, व्यवस्था इतना तक बन चुका है। सही है, कैंपस ये काफ़ी अभी काफ़ी बड़ा है। जैसा कि यहाँ पे जब भीड़ होता है शिवरात्रि और रक्षाबंधन में काफ़ी भीड़ होता है। शिवरात्रि के टाइम तो 10 से 15 दिनों के लिए काफ़ी भीड़ होता है, उस वक्त यहाँ पे ये कॉटेजेस जो है, ये रूम्स जो है, बुक हो जाएंगे। और सावन में बीमारी के बहुत सारे लोग आते हैं। सावन में हर सोमवार को जो शंकर जी का हमारा पूजा होता है, उस वक्त वो बहुत लोग यहाँ पे लोग आते हैं, उस वक्त ये रूम आप बुक कर सकते हैं। रात भर ठहरने का पूरा बंदोबस्त है, खाना पीना नॉन वेज वेज सब सारा चीज़ उपलब्ध है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैं अभी आ गया रोहतासगढ़ किला के गेट पे, और ये मेन दरवाज़ा है। अब मैं आपको पूरा अंदर दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। तो चलिए अंदर, आप बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये किला जो है वर्ल्ड के 10 बड़े किलों में से एक है, और ये जो है उसका गेट है, यहाँ से आपको एंट्री होगा। और ये किला काफ़ी बड़ा है, और ये लगभग 45 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका दृश्य आपको पूरा मैं दिखाऊंगा, मगर इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले भाग में इसका पूरा किला का दृश्य दिखाऊंगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से आप देख सकते हैं। और ये किला का दृश्य अंदर का है, और इसके अंदर जो किला के ऊपर के अंदर पूरा दिखाऊंगा। और बहुत कुछ है यहाँ पे, फांसी का जगह जहाँ पे फांसी दिया जाता था मुजरिमों को, वो जगह भी दिखाऊंगा। और बहुत ही प्राचीन मंदिर, गणेश मंदिर, वो नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। और साथ ही साथ यहाँ के
चीज़ों के बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।